भारत को गिना जाता है दुनिया के एक बड़े गोल्ड कंज्यूमर के रूप में। साल में भैया जी 800 से 900 टन गोल्ड हम जो है इंपोर्ट करते हैं दुनिया से। कहा जाता था कि भैया भारतीय लोग तो सोना खरीदेंगे, इंपोर्ट में कभी गिरावट नहीं आएगी, ऐसे दावे किए जाते थे। लेकिन आप उन दावों की कलई खोलते हुए देख सकते हैं इस रिपोर्ट में, क्योंकि हाल ही में गुजरा जो अप्रैल मई का महीना है उसमें भारतीय गोल्ड एक्सपोर्ट में 40% तक की गिरावट आ गई है। कारण वही है कि साहब गोल्ड उच्चतम स्तर पर है, 60,000 के आसपास गोल्ड टिका हुआ है, और उस लेवल पर लोग नई खरीदारी करने से बच रहे हैं। साथ में गवर्नमेंट ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किए हुए हैं, लोग बाग डिजिटल गोल्ड में ETF गोल्ड में निवेश करना चालू कर दिए हैं, जिसके कारण जो फिजिकल गोल्ड है उसकी डिमांड कम हो रही है। परिणाम आपके सामने है, 40% तक की गिरावट आई है, और ये हमारे डॉलर को बचाता है, हमारा जो खर्चा होता है इंपोर्ट करने पर उसको भी कम करता है। तो सब कुछ मिलाकर ये बहुत अच्छा घटनाक्रम है, लेकिन इसका भी भैया जी नेगेटिव एस्पेक्ट है। चित्त है तो पट्ट भी होगी, ऐसी कोई चीज दुनिया में होती ही नहीं है जिसमें सब कुछ अच्छा हो, कुछ ना कुछ खराब तो जरूर होगा। अब जो है गोल्ड का एक्सपोर्ट अगर 40% डिक्लाइन मार गया तो भारत में गोल्ड इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर रोजगार मिलते हैं, दुकानदार से लेकर कारीगर तक सबके घरों का चूल्हा जलता है गोल्ड के व्यापार से। तो भारत सरकार ने ये सवाल पूछा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 10% की जो कस्टम ड्यूटी लगा रखी है गोल्ड के ऊपर उसके कारण ये इंपोर्ट कम हुआ है, अगर ऐसा हुआ तो बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो सकते हैं। हमारे देश में पहले ही बेरोजगारी की समस्या है, अब जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो लोग गोल्ड इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, कम से कम उनकी नौकरी तो नहीं जाना चाहिए। इसलिए हो सकता है, इस बात की संभावना है कि भारत सरकार कस्टम ड्यूटी में ढिलाई दे, गोल्ड का इंपोर्ट कम होना चाहिए लेकिन जीरो हो जाना चाहिए। ये किसी की डिमांड नहीं है, हमारी सप्लाई और डिमांड के बीच में संतुलन रहना चाहिए। हम इंपोर्ट पर खर्च नहीं करना चाहते तो साथ में हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या भी खड़ी नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि गोल्ड के इंपोर्ट में आ रहा लगातार जो डिक्लाइन है, जो गिरावट है, उसको रोक पाने में मोदी सरकार जल्दी ही कामयाब होगी।